तो दिवाली आने वाली है और हर साल दिवाली में हम गिफ्ट्स के साथ फ्रेंड्स और फैमिली को मिठाइयाँ तो ज़रूर ही देते हैं। तो चलिए इस साल कुछ अलग करते हैं। इस साल हम बनाएंगे होममेड चॉकलेट्स और उन्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को एज अ गिफ्ट देंगे, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि आपने कितनी एफर्ट की है उनके लिए, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 3 तरीके की चॉकलेट्स आपको बनाना सिखाऊंगी। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कुछ नया सा बनाते हैं, तो अपनी चॉकलेट्स की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रोज़ एंड ड्राई फ्रूट चॉकलेट। तो इसके लिए मैंने ले लिया 150 ग्राम वाइट चॉकलेट। ये कंपाउंड चॉकलेट है, आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो अब हम इसे बारीक बारीक पीसेज में ऐसे काट लेंगे। तो चॉकलेट को आप थोड़ी देर पहले फ्रिज से बाहर निकाल लें, जिससे ये बहुत ज़्यादा हार्ड ना रहे और आसानी से आप इसे कट कर सकें। तो बारीक बारीक काटने से क्या होता है कि चॉकलेट को मेल्ट करने में आसानी होती है और चॉकलेट जलती नहीं है, आराम से मेल्ट हो जाती है। तो ये सारी चॉकलेट मैंने यहाँ पर काट ली है, बहुत ही बारीक बारीक काट ली है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक माइक्रोवेव सेफ बाउल लिया है, जिसे आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं या फिर डबल बॉयलर से भी बना सकते हैं। तो चॉकलेट को मेल्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 15-20 बादाम ले लिए हैं और इन्हें मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से चलाते हुए 3-4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है। तो चलिए बादाम रोस्ट कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो बादाम यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तो इसे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया है 15-20 पिस्ते, इसे भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है और जब इसमें से अच्छी स्मेल आने लगे तो इन्हें उतार लेना है। तो पिस्ता भी हमारा यहाँ पे रोस्ट हो चुका है, तो चलिए अब इसे भी निकाल लेते हैं। तो जो चॉकलेट है उसे मैं डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करूँगी। तो एक भगवाने में मैंने पानी रख दिया है और इसे हम आधा ही रखेंगे, पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। और अब हम इसे जला देंगे और जब पानी बॉयल होने लगेगा तब हम इसके ऊपर चॉकलेट वाला बर्तन रख करके उसे अच्छे से मेल्ट करेंगे। तो आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। तो माइक्रोवेव में आपको अगर मेल्ट करना है तो चॉकलेट के बर्तन को आप 20-20 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर दीजिए। ज़्यादा देर के लिए एक साथ आप टाइमर नहीं लगाइए, नहीं तो आपकी चॉकलेट सारी जल जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसे डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर रही हूँ। तो पानी यहाँ पे बॉयल हो गया है, तो अब हम इसके ऊपर रख देंगे जो चॉकलेट वाला बर्तन है। और ये बर्तन का बॉटम नीचे पानी से टच नहीं होना चाहिए। फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम और इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। तो ये चॉकलेट मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाती है। तो ये देखिए चॉकलेट यहाँ पर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसे लगातार हमें तब तक चलाना है जब तक कि पूरी चॉकलेट मेल्ट ना हो जाए और इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो लगातार चलाते रहिए, नहीं तो चॉकलेट नीचे से जल जाएगी, ये देखिए इस तरीके से। तो चॉकलेट यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें और मिला लेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 2-3 चम्मच रोज़ की पेटल्स, ये ड्राई रोज़ पेटल्स हैं, आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। और जो हमने यहाँ पे बादाम और पिस्ते भून के रखे थे उसे मैं काट के डाल दे रही हूँ। और साथ में मैं डाल दे रही हूँ 2-3 बूंदे फूड कलर की, ये पिंक फूड कलर है। चूँकि ये रोज़ का बन रहा है तो हल्का सा पिंक कलर इसमें डालना ज़रूरी है, जिससे ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसे मोल्ड में लगा देंगे। तो ये सिलिकॉन मोल्ड है जिसपे मैंने रोज़ पेटल्स और थोड़े से पिस्ते काट करके नीचे डाल दिए थे। और अब हमारा जो यहाँ पे चॉकलेट का पेस्ट है वो मैं इस पर डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, सिलिकॉन मोल्ड बहुत ही आराम से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी तरीके की कटोरी या बर्तन में ये चॉकलेट्स जमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे इसमें डाल दिया है। बहुत ही अच्छी ये चॉकलेट्स बनती हैं, फटाफट से बनके तैयार भी हो जाती हैं और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा रहता है। तो एक बार आप इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, आप जिसे भी ये गिफ्ट में देंगे उसे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। तो ये देखिए चॉकलेट्स हमारी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई हैं। तो ये सारी की सॉकरी चॉकलेट मैंने ऐसे डाल दी है, ऊपर से थोड़े से रेड रोज़ पेटल्स से और जो है ये पिस्ते से मैंने गार्निश कर दिया है। तो चलिए अब इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये जम जाए। तो आधा घंटा हो गया है और चॉकलेट हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड हो जाता है, क्योंकि ये सिलिकॉन का है मोल्ड, तो फटाफट से ये डीमोल्ड हो जाता है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है चॉकलेट्स देखने में,
फटाक से हम ये सारी की सारी चॉकलेट निकाल लेंगे तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा इन्हें बनाने में, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाती हैं। ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, इसे मैं चाकू से काट के निकाल दूंगी ताकि इसका शेप और भी ज़्यादा सुंदर लगे देखने में। ये देखिए इस तरीके से बराबर से मैं चाकू से काट दे रही हूँ और बहुत ही सुंदर सी हमारी चॉकलेट बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो मार्केट से भी अच्छी हमारी रोज़ और नट्स की चॉकलेट बनके यहाँ पे रेडी हो गई है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट चॉकलेट जो हम बनाने वाले हैं वो है डार्क एंड वाइट चॉकलेट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 50 ग्राम डार्क चॉकलेट, इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे और इसे मैं यहाँ पे माइक्रोवेव में अभी इसे मेल्ट करूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बॉयलर से बता दिया है कि डबल बॉयलर से कैसे मेल्ट करना है। तो मैं इसे माइक्रोवेव से मेल्ट कर रही हूँ ताकि जल्दी से ये हो जाए। तो ये देखिए सारी चॉकलेट्स को मैंने बराबर काट लिया है और अब इसे मैं माइक्रोवेव से बाउल में निकाल लूँगी और इसे अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। इसी तरीके से मैं वाइट चॉकलेट को भी मेल्ट कर लूँगी, वो भी मैंने 50 ग्राम ही ले लिया है। तो चलिए इसे मेल्ट कर लेते हैं। तो दोनों ही चॉकलेट्स मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिए। आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर से भी मेल्ट कर सकते हैं, मैंने आपको मेथड पहले बता दिया है, उस तरीके से भी आप इसे मेल्ट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसे माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे जिससे इसके अंदर बिल्कुल भी लम्ब्स ना रहे और यहाँ पे हमारी दोनों ही चॉकलेट्स बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो अब मैं ले लूँगी यहाँ पे चॉकलेट वाला मोल्ड, जो कि बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, मार्केट पर भी मिल जाएगा। तो ये सिलिकॉन मोल्ड है, तो अब मैं इसमें आधे में डाल दूँगी डार्क चॉकलेट और आधे में डालूंगी मैं वाइट चॉकलेट, क्योंकि हमें यहाँ पे डार्क एंड वाइट चॉकलेट बनानी है। तो इन दोनों को मैं मिक्स करके बना रही हूँ, तो दोनों को एक साथ हम नहीं मिक्स करेंगे, हाफ में हम डालेंगे पहले ये डार्क चॉकलेट और इसके बाद मैं इस पे डाल दूंगी वाइट चॉकलेट। तो बहुत ही टेस्टी लगता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, बहुत ही आसान सी है ये रेसिपी। आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आए आप उस चीज़ को इसे चॉकलेट से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें नट्स भी डाल सकते हैं या फिर आप दोनों चॉकलेट को कंबाइन करके भी बना सकते हैं। तो चॉकलेट बनाना बहुत ही इजी है, बस आपको आइडियाज़ की ज़रूरत है। कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ से आप नई नई तरीके की चॉकलेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पीछे से टूथपिक से थोड़ा सा डिज़ाइन बना दे रही हूँ, ये डिज़ाइन आगे तो नहीं आएगा लेकिन पीछे से बहुत ही सुंदर सी ये डिज़ाइन दिखेगी। तो ये यहाँ पे हो गया है, इस तरीके से मैं ये छोटे वाले भी सारे मोल्ड फिल कर दूंगी। तो हाफ में मैंने डाल दिया है डार्क चॉकलेट और हाफ में डाल दूंगी वाइट चॉकलेट। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है चॉकलेट बनाना, हमें लगता है कि यार बहुत टफ होगा चॉकलेट बनाना, पर चॉकलेट बनाना बहुत ही आसान होता है। बस कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जैसे कि चॉकलेट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसे मेल्ट करना है, बस इन्हीं सब बातों का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद तो चॉकलेट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे मोल्ड मैंने फिल कर दिए हैं, तो चलिए अभी इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो आधा घंटा हो गया है और अब हम मोल्ड्स को बाहर निकाल लेंगे। तो आराम से इसमें से ये हम चॉकलेट निकालेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है, आगे से तो इसमें वो स्वर्ल वाली डिज़ाइन नहीं आई है लेकिन पीछे से ये थोड़ा अलग डिज़ाइन से है और आगे से टू शेड का है। तो बहुत ही टेस्टी ये लगती है चॉकलेट, एक ही साथ आप दो तरह की चॉकलेट का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो हमारी यहाँ पर डार्क एंड वाइट चॉकलेट बन के रेडी हो गई है, तो इसे भी आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट चॉकलेट है हमारी डार्क क्रैकर चॉकलेट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 100 ग्राम डार्क चॉकलेट, इसे मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है और यहाँ पे हमने ले लिया है हमारा मोल्ड और इसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़े से राइस क्रिस्प। ये आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगे, ये बहुत ही क्रिस्पी से होते हैं, कुरकुरे से होते हैं और चॉकलेट वगैरह में इनको यूज़ किया जाता है। तो आपने डेयरी मिल्क की चॉकलेट खाई होगी जिसमें ये क्रिस्प रहते हैं और बहुत ही कुरकुरी सी वो चॉकलेट रहती है। तो आप चाहें तो चॉकलेट के साथ ही इस क्रिस्प को मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसे मोल्ड में नीचे डाल दिया है और ऊपर से फिर हम चॉकलेट की लेयर लगा देंगे। तो ये देखिए ये चॉकलेट मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसके ऊपर से भी मैं डाल दूंगी थोड़े से राइस क्रिस्प। ये देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे मोल्ड में ये डाल देंगे। तो आप चाहें तो इसे मिल्क चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं या फिर वाइट चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं, किसी भी चॉकलेट्स के साथ आप इसको मिक्स कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ये सारे मोल्ड फिल कर दिए हैं, तो चलिए अब आधे घंटे के लिए इन्हें फ्रिज में रख देंगे। तो आधा घंटा हो गया है और चॉकलेट हमारी यहाँ पे हम डीमोल्ड कर लेंगे, ये अच्छे से जम चुकी है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड हो जाएगी और ये देखिए बहुत ही अच्छी सी चॉकलेट निकल के आई है, बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में और खाने में इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था। तो इस तरीके से आप चॉकलेट्स घर पर बना सकते हैं, आपके पास और भी आइडियाज़ हैं तो आप उस तरीके से भी इसे चॉकलेट्स को बना सकते हैं। तो हमारी चॉकलेट्स यहाँ पर रेडी हो गई हैं, तो आप इस तरीके से बना करके भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।
तो हमारी तीन तरीके की चॉकलेट्स यहाँ पे रेडी हो गई हैं, बहुत ही टेस्टी हैं फ्रेंड्स। चॉकलेट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपके पास और जो भी नए आइडियाज़ हैं आप वो इन चॉकलेट्स में डाल करके बना सकते हैं। आप पान चॉकलेट बना सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स की चॉकलेट बना सकते हैं, कैरेमल की चॉकलेट बना सकते हैं। चॉकलेट्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बस मेन उसमें ट्रिक ये है कि आपको चॉकलेट मेल्ट कैसे करनी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस दिवाली आप भी इसे अपने घर आके ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इसे गिफ्ट के तौर पर ज़रूर दीजिए। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, आप बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली नई वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे कुछ नई यम्मी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।